हरियाणा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी की 500 से अधिक छात्राओं ने अपने साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लगभग 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के निलंबन और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की मांग की है। पत्र की कापियां कुलपति अजमेर सिंह मलिक, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा सहित अन्य को भी भेजी गई है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। उन पर लड़कियों को अपने कार्यालय में बुलाने, उन्हें बाथरूम में ले जाने, निजी अंगों को छूने और अश्लील हरकतें करने का आरोप है। लड़कियों ने कहा कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पत्र में दावा किया गया है कि ये कई महीने से चल रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश कुमार बंसल ने गुमनाम पत्र मिलने की पुष्टि की है। गुमनाम पत्र हमें मिला है, कल शाम को मिला, देर शाम को मिला है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस प्रशासन भी छानबीन में लगा हुआ है लगातार। वो कल रात को भी पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, आज भी आए हुए हैं। और उसके अलावा हमारे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, हमने उसको वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। वो अपने लेवल पे, क्योंकि वो उसमें वुमेन मेंबर्स होती हैं, वो अपने तौर पे सभी लड़कियों से मिलके कोशिश करेगी क्या इस पत्र में कोई सच्चाई है या नहीं है। तो अब वो जानकारी आने के बाद, क्योंकि ये बेनामी है और किसी तरह का जो उस पर लिफाफे पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था वो भी फर्जी निकला है, तो अब जो गहरी छानबीन का मुद्दा है वो छानबीन जारी है। CDLU यूनिवर्सिटी में एक अनोनिमस कंप्लेंट आया है अगेंस्ट प्रोफेसर एंड द डीन। इसके बारे में अभी इंक्वायरी जो है वो चल रही है और जैसे ही कुछ फैक्ट सामने आएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। एलिगेशन क्या लगाए उन्होंने? एलिगेशन यही हैं कि इनअप्रोप्रिएट टच किया गया है लड़कियों को, बट जो कंप्लेंट है वो अनोनिमस है और जो सभी लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी की और जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी से पूछताछ चल रही है। अगर इस तरीके की कोई भी बात आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। कुछ लड़कियों के बयान भी लिए गए? हाँ, बच्चियों के बयान भी लिए जा रहे हैं, टीचर्स के भी बयान लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई फैक्ट इस तरीके का सामने आएगा अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना सामने आने के बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं द्वारा छेड़छाड़ और शोषण के गंभीर आरोपों की खबर चिंताजनक है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा कि दुखद बात यह भी है कि छात्राओं को न्याय के लिए राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा महिला शोषण के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बचाने जैसे मामलों का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए ही छात्राओं का कोई भरोसा इस सरकार पर नहीं बचा। सरकार से मेरी अपील है कि छात्राओं के आरोपों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।